बचाओ आप गुस्सा आ गया है गुस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी ज़बरदस्त चल रहा है। और आज की जो आज की रेसिपी और मिक्स व्लॉग है तो रेसिपी भी बनाएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे, तो चलते हैं। अगर किसी इवेंट के लिए आपके पास कोई केक, बर्थडे केक या मैरिज एनिवर्सरी केक अवेलेबल नहीं है तो आप ये चीज़ तैयार कर सकते हैं और इससे बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो सकती है। तो चलते हैं किचन में, आए जी किचन में। पहले मैं शूज़ पहन लूँ, मेरे शूज़ का वो रहा हमारा किचन है। अच्छा पहले दो शूज़ आ जाओ। ये अपने दादू का किचन था, पर अपने यहाँ सेटअप कर रहे हैं अपना काम। हाँ जी, तो एक बलून लिया। ये बलून है, इसको फुलाओ। फुलाओ फुलाओ जी, ये बलून फुला ले तब तक मैं जगह सेट कर लूँ और चीज़ें ले आऊँ जी। तो ये फ्रिज पड़ा है, इसमें से हमने ये चॉकलेट, ये नहीं डार्क चॉकलेट उठाते हैं, ठीक है, बल्कि फ्लेवर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला उठा लेते हाँ, हैं आलमंड, और एक वाइट चॉकलेट और एक ये डब्बा। हाँ जी आ जाए जी, फुलाओ बलून। हाँ जी ये देखें जी, ये चीज़ें हैं। ये लो इन चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ें हैं उनको साइड पर कर देते हैं जी। तो यहाँ मैंने इस प्लेट में थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, मज़ीद पानी रखा है और ये इसमें मेल्ट हो जाती है। तो हम लोग ओए लड़ो नहीं, यहाँ से हम एक चम्मच उठा लेते हैं, इसको यूँ हिलाते रहेंगे। अगर ये ना भी मेल्ट हुई तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है, थोड़ी सी और करेंगे और इसको ना, ये जब इसके ये ख़त्म हो जाएंगे ना, अगर पानी ठंडा हो जाए। वैसे तो चूल्हे के ऊपर बर्तन रख के उसके अंदर बाउल रख देते हैं, लेकिन मेरा बाउल उसके अंदर लूज़ था, मतलब फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने इस तरह प्लेट में पानी गर्म ले लिया। इसके लिए बस नॉर्मल गर्म पानी काफ़ी होता है, और क्रिस्टल बाउल ले लें और उसके अंदर इसको इस तरह रख लें। और दुआ कीजिएगा हमारा ये जो वो चॉकलेट बॉम है ये रेसिपी कामयाब हो जाए, ठीक है ना। ये बहुत गाढ़ी थी तो इसके अंदर मैंने एक चम्मच दूध डाला है। तो ये बलून है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, और उसके बाद ये इसका निचला सिरा है, ये हम इसके अंदर डिप करेंगे। और सुरेश डर के खड़ा हुआ है, फट गया। फट के रहेगा आज तो, मुझे सारा डर है। हाँ चॉकलेट तो लग नहीं रही, मुझे तो डर लग ही जा रहा था। ओ, अभी उतारोगी कैसे? हाँ ये बलून की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पता नहीं ये उतरेगा भी नहीं, उतरेगा कि नहीं, हमें लगता है इसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये हमने दूसरा बलून लिया है, इसको भी इसी तरह डिप करेंगे। आप तो सच क्या देती हो, चिपकेगा तो फट नहीं जाएगा? रुको अब ऐसे चम्मच से डालूंगी क्योंकि चॉकलेट उसमें थोड़ी रह गई है। आपने ज्यादा पतली कर दी है, मुझे भी लग रही है, और चॉकलेट डालनी पड़ेगी इसके अंदर। इसको मैं ऐसे ना एक उसमें कर देती हूँ ऐसे टेढ़ा, थोड़ी सी ये इसके ऊपर ड्राई हो जाए ना, फिर और चॉकलेट बना के ना इसके ऊपर डाल देंगे। ढेर सारी पड़ी है। ये आप हिम्मत कहना, हमें भी खिलाओ, आप पार्टी में आ जाना जी। तो ये पहले वाला बलून है, अब इसके ऊपर, अभी इसको हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, और अब क्या करना है इसके ऊपर हम इससे, ये नरम नरम है तो अभी हम इसके ऊपर ये लगा देंगे। उतर जाएगी,
फिर हम इसको बलून से निकालेंगे अगर निकल गई तो। ना निकली, हम कहेंगे हमारी कोशिश खराब हो गई। अभी रुक जाओ, ये थोड़ी सी चॉकलेट के साथ लगा के ना ऐसे करके। हाँ ये सही है, ये तरीका सही है ना। हाँ जी, तो ऐसे चॉकलेट के साथ करते जाएंगे। हाँ जी, नजर ना लगे, खैर हो, आज इतनी तैयारी, जोश, जज्बा भी है। आज हमने अपने चैनल पे व्लॉग लगाना है। अच्छा। तो सरप्राइज व्लॉग, तो उसके लिए तैयारी की है। ये कौन सा स्टाइल है? ये नखरे वाला है ना। वैसे भी कैरी करके थोड़ा सा गरूर तो आ जाते हैं। अच्छा, आप में गरूर आ चुका है? गरूर फट ना जाएगा आज, मैं कोई काम नहीं करना। अच्छा नहीं नहीं, हम आपसे पहले कौन सा करवाते हैं? अभी जो ऑर्डर किया चाय बना के। देखा कितने वो चाय है? वो को चाय कोई काम है? हां वो काम है, कर लो खुद ही। अच्छा अब नहीं बोलेंगे आगे। अच्छा बना दे कप चाय तो प्यार से कहो I love you. बस फिर I love you पी लो कप में डाल के। ठीक है, ला दे खाली कप, ला दे पापा को। ये जरूरत I love you क्या होता है? खुशी करो, खुशी करो। खुशी में कहते हैं उसे पता है। और मैं मारूंगी फिर क्या होता है? ये टीटी वाला मुंह देख लो, लटका के बैठे सारे पैर निकाल के हैं। ये ले दो और ले दो। आपके काम है। हाँ तो मैंने इसीलिए कहा चलो बच्चा लेके दे देता हूँ, बच्चे ने ये हालत कर देता बच्चा। अच्छा चलो अब बस करो जी, अब आप हम बच्ची ना बनो, अब हमारे लिए चाय तो बना दो। मैं आपसे कोई काम करवाता हूँ? वरना अपनी जबान पे कायम रहता है। चलो मेरा जूता तो देखो इतनी तैयारी के बाद। नहीं मैं वो नहीं देखता। दिखाओ जरा। नहीं 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 दिखाना। हाँ जी, तो बलून मैंने बना लिए, ये हमने लिए थे 50 रुपए के, ठीक है ना। दो बलून हमारे रेसिपी में इस्तेमाल हुए हैं और बाकी हमने फुका दिए। तो आओ तो रेज इनको धागे में डालो। अच्छा तो मैं इसको धागे में डाल लेती हूँ, पता नहीं कैसा धागा है लेके फिरता है। ये पक्का धागा है। मैंने वैसे आज तक जितनी भी पार्टीज वगैरह हुई है ना, मैंने किसी में बलून नहीं खुलाए, लेकिन आज स्पेशली खुला रही हूँ, क्योंकि आज नहीं, ये जो मैंने आपको टाइम लिमिट दी है ना 16 घंटे, उनके अंदर अंदर एक पार्टी होनी है, तो उसकी सेलिब्रेशन भी होनी है, लेकिन फिलहाल अभी उसकी तैयारी हो रही है। चॉकलेट बॉम्ब हाफ हाफ रेडी है, तो इनको चेक करते हैं। इधर आ गया, पहले एक को, ये नरम है अभी, इसको रहने देते हैं। ये हार्ड हो गया थोड़ा सा, इसको अब फाड़ना है सुई का। चॉकलेट बॉम्ब जी, ये लिख, ये तो लगता है कोई, ये तो वो टोपी बन गई है किसी चीज की। अच्छा इसके ऊपर पहना देते हैं, ठीक है। हाँ ये सही है, गुब्बारा निकाल दो। इसने बड़ा निकलना था, छोटा क्यों निकला है? वो बलून की वजह से, बलून फूला हुआ है, वो अंदर सुकड़ गया है, तो हमारा चॉकलेट बॉम्ब नहीं बना। ये तो रहता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, जी तो वैसे तो हमारी रेसिपी फेल हो गई है, लेकिन हमने इस बॉम्ब को ऐसे ही रख दिया बलून के साथ। अब ये चॉकलेट बॉम्ब करेगा बूम, क्या करेगा? बूम बूम, ले आओ सुई। तो ठहरो, अभी सुई से नहीं फाड़ना, ये पकड़ो कैमरा, सुई हवा निकालते हैं इसकी, हवा सुई सुई जी। तो ये ना आप लोगों को बताया, जैसे कि हमने सेलिब्रेशन के लिए बनाया है, तो ऐसे अगर ऐसे अंदर फाड़ के ऐसे नहीं निकल सकता, पता नहीं वो कैसे हैक में बताते हैं कि ऐसे बलून फाड़े और अंदर से ही निकल आएगा, लेकिन ये तो नरम हो गया है। मज़ेदार है, शहरी को भी चखाते हैं। हमारी रेसिपी फेल भी हो जाए हम खा लेते हैं। हाँ जी, कोई हार नहीं। तो अगर रेसिपी फेल हो गई ऐसे,
ऐसे बिल्ली के बच्चे के मुंह पे चॉकलेट सारी लगी हुई है माशाल्लाह से, आ हा हा यमी 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 यमी। और आओ आओ, अच्छा जी आ गए, आ गए जी, आ गए आ गए। और वो ना हमारा चॉकलेट बॉम्ब तो नहीं बना, वो जो हमने फाड़ा था ना एक बार, वो हमारा हो गया क्रुंडु मुरुंडु हो गया। ये पड़ा है ओए, तो ये चॉकलेट लगाई है बलून के ऊपर। हाँ जी, अच्छा ये आप खा ही जा रहे हो। ये आपके बच्चों ने फ्रिज में से भी उठा के खा लिए। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ए मुंह देखो जी। हाँ बिल्ला ये बिल्ली का चॉकलेट खाए और लगे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसके ना एक शर्त है, इसको फाड़ना कैसे है ठीक है ना, अगर आप इस पिन से फाड़ोगे तो आपको हमें शॉपिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपने इसे दांतों से फाड़ा ऐसे मुंह लगा के, फिर आपको शॉपिंग नहीं करवानी पड़ेगी। अब आपकी चॉइस है। नहीं नहीं मैं तो उसे मुंह से फाड़ लूंगा। चलें फिर आ जाए। हाँ जी, फिर ना बेशक ना करवाना। अच्छा चलो ठीक है। ऐसे ही पड़े हुए को मुंह से फाड़ने आगे ओके ऐसे करके दांतों के साथ। ये हमने कहा रेसिपी तो हमारी फेल हो गई है, लेकिन आपको तो ना हम छोड़े ना। मैं कपड़े निकालो उसके मुंह से, चॉकलेट के साथ कपड़े दिखा रहा है। थ्री गो, फाड़ो भी सही। वन टू थ्री गो गो गो। मुंह में कैसे आएगा? जैसे भी आना दांतों से फटना चाहिए। चलो जो भी है फाड़ो तो सही, गुब्बारा पकड़ के बैठो उड़ जाएगा प्याली में से चाट खाने। मजे की है चॉकलेट। हाँ चॉकलेट तो मजे की है, मेल्ट हुई हुई है ना वो ज्यादा टेस्टी लगती है, इसके अंदर कैरेमल भी मिक्स है। कोई नहीं बचपन है आपका समझ लो। ये नीचे से फाड़ दूं मैं? मर्दी है, गुब्बारा फटना चाहिए, लेकिन नहीं चॉकलेट वाली साइड से फाड़ना है। गुब्बारा पकड़ के बैठो बेड पे गिर जाएगा। हाँ ऐसे ऊपर से दबा के फाड़ो, मुंह भरता है, नीचे से डंडी से पकड़ लो। हाँ डंडी पकड़ो, कपड़े बचाना। फाड़ो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कपड़े बचाओ। ए अब गुस्सा आ गया है। ओ शेरी ये लो अच्छा दांतों को दबा लो थोड़ा सा, आपको आपको तो सही गुस्सा। चलो 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 प्यारे में रखो, वो देखने दो पापा को, ये देखे जी सुरेश को, डैडी को। और अंदर देख कर करते हैं शीशे में ए। कभी बचपन में ऐसे खाया होगा है, खाई होगी ना कुछ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग और रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी फेल हो गई, ये मैंने हैक ट्राई किया था, लेकिन व्लॉग आप लोगों को लाजमी पसंद आया होगा और आप लोग इसको रेसिपी को ट्राई करें अपने तरीके से। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इसको हार्ड होने देना चाहिए था, लेकिन ये डर था कि हार्ड होने के बाद ये क्रैक हो जाती, तो जैसे भी यह रेसिपी फेल होगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।